आज की इस क्लास में हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 12। अभी लास्ट क्लास तक हमने एग्जाम्पल नंबर 11 देखा है। अगर वो आपने नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 शिवलाल की बुक का है, क्लास 12th एनसीईआरटी बेस पे भी कुछ क्वेश्चन पूरे हैं हमारे, ठीक है। तो स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2017 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी वॉज 10,000, 5,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। यानी 1 अप्रैल 2017 को ए और बी और सी इन तीनों की कैपिटल कितनी थी? ए की थी 10,000 रुपीज, बी की थी 5,000 रुपीज एंड सी की थी 4,000 रुपीज। क्लियर। देयर करेंट अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 600, 800 and 400। अब उनका करेंट अकाउंट क्या बोल रहा है? करेंट अकाउंट को उनका बैलेंस है 600, 800 and 400। यानी 600 ए का, बी का है 800 और सी का है 400। दे विड्रॉ 900, 200 and 700 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पर्सनल एक्सपेंसेस। यानी उन्होंने 900, 200 और 700 अपने अपने अकाउंट से निकाले। ए ने 900, बी ने 200 और सी ने 700 निकाले। क्लियर, ये ड्राइंग है इनकी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अप टू 1900 इन कैपिटल रेशियो एंड मोर देन दैट इन द रेशियो ऑफ 9:7:4। यानी 1900 तक का प्रॉफिट जो है उनके कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा और बाकी का बचा हुआ जो उससे ज़्यादा का प्रॉफिट होगा वो 9:7:4 में बांटा जाएगा। उसके बाद है 5% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जाएगा। ए एंड सी टू गेट सैलरी एट 480 ईच। यानी ए और सी को 480 480 दोनों को, 480 ए को भी 480 सी को भी सैलरी मिलेगी। फिर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018 वॉज 4,810। यानी कि उस साल का उनका प्रॉफिट है 4,810 रुपीज। क्लियर। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट बोल रहा है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है दोनों अकाउंट एक ही जैसे होते हैं, तो मैं फिलहाल आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट बना के दिखा दूंगा। फ्लैक्चुएटिंग मेथड इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आप पिछली वीडियोस में देख लेना तो वहाँ पे आपको अलग अलग दोनों मिल जाएंगे कैसे बनाए जाते हैं। हालांकि है कुछ नहीं आसानी, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए हमने कॉलम बना लिया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है बात, ठीक है। अब हमने ये कॉलम बना लिया। अब कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले आप ये देखो उस साल का प्रॉफिट क्या है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? प्रॉफिट। तो देखते हैं प्रॉफिट, एक बात और याद रखिएगा, प्रॉफिट हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, फिर आप उस अकाउंट से पैसे बांट सकते हो। समझ में आ रही बात? जब तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं, तब तक आप उस अकाउंट से पैसे बांट कैसे सकते हो? नहीं बांट सकते ना। सबसे पहले क्रेडिट होगा बैलेंस आपके अकाउंट में, पैसे आएंगे, उसके बाद डेबिट होता रहेगा, निकालता रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला अमाउंट जो था वो कितना था? 4,810। तो ये क्या था? बाई कैश बीडी कितना था? 4,810। ये आ गया आपका कैश, ठीक है। अब इसको बाई कैश बीडी लिख दो, बाई नेट प्रॉफिट बीडी लिख दो, जो लिखना लिख दो। अब इसके बाद पैसे बांटते हैं। तो सबसे पहला अमाउंट क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है? ए बी एंड सी, ठीक है। अब ए बी एंड सी, तो कितना कितना कैपिटल था? 10,000, 5,000 और 4,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5%। तो 10,000 का 5% कितना होगा? कॉमन है, आराम से निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 10,000 का 5% तो 0000 कट गया, कितना बचा? 500। तो एक आ गया 500, फिर दूसरे का था 5,000, तो 5,000 का 5%, ठीक है, 0000 कट गया, 5 5 जो 25, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 250। और सी का कितना है? सी का है आपका 4,000, तो 4,000 का भी 5%, 5% हमने लिख दिया, 0000 कट गया, 5 4 जो 20, यानी 200। ये हमने लाइन की, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 950। क्लियर। तो ये हो गया आपका 950 क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें दे रहा है सैलरी, तो लिख देंगे यहाँ पे टू सैलरी। लेकिन सैलरी किसको किसको दे रहा है, याद है आपको? सैलरी दे रहा है ए को और सी को। कितना दे रहा है? 480 480 ईच दे रहा है, बोल रहा था ना क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया 480 480 ईच। दोनों का टोटल भी हो गया 960।
क्लियर। अब कुछ और देना है क्या? नहीं, अब कुछ और नहीं देना है। तो बचा हुआ प्रॉफिट क्या जाएगा आपका? टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हो। कौन कौन है? ए बी एंड सी। देखो थोड़ा सा कॉलम छोटा पड़ गया हमारा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेते हैं। यस, दो दो कॉलम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो आ जाएगा, हाँ तो आ ही नहीं पाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही ख़त्म कर देंगे टोटल। ये बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ टोटल कर दिया तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ए बी और सी को जो है हम दे देते हैं प्रॉफिट, लेकिन कितना ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो 900 और 900 इन दोनों का टोटल कर देंगे और इससे माइनस कर देंगे। 92 जो 1800 ये हो गया, 1800 ये हो गया, और 1910 तो 1910 ये हो गया, 4810, ठीक है, दिख रहा ना यहाँ पे। अब इसको माइनस कर देते हैं, 0 0 8 में 9 तो जाएगा नहीं, तो 18 में 9 गए, तो 18 में 9 गए तो 92 जो 18 तो 9 ही बचेगा। अब यहाँ 3 में 1 आएंगे, पैरी चला गया, 3 में 1 गए 2, तो 2900 कितना आ गया आपका? 2900। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2900। अब 2900 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में था पहला 1000 रुपीज, सॉरी पहला 1900, पहला 1900 जो है वो क्या बटेगा? उनकी कैपिटल के रेशियो में बटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बांट देता हूँ, ठीक है ना। 1900 जो था उनके कैपिटल के रेशियो में बटेगा। कैपिटल कितना था यहाँ पे? 10,000, 5,000 एंड 4,000। तो इसको कैपिटल का रेशियो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10,000 रेशियो 5,000 रेशियो 4,000, यही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो रहा है, 3 0 तीनों में कॉमन है, 3 3 0 कैंसिल कर दो। अब बचा 10 रेशियो 5 रेशियो 4, कितना बचा? 10 रेशियो 5 रेशियो 4। अब इसको कटना होगा तो कटेगा, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 10 रेशियो 5 रेशियो 4 में बांट देते हैं 1900 रुपये को। तो 1900 रुपये को 10 रेशियो 5 रेशियो 4 में, तो 10 5 15 और 4 19 है ना, तो 10 × करेंगे और 19 से डिवाइड करेंगे, तो तीनों को 19 से डिवाइड करेंगे ना। 1900 × 10/19, 1900 × 5/19 और 1900 × 4/19, ऐसे ही बांटते हैं। 19 10 19 100, ठीक है ना, 9 1 9 19 से 19 कट गया, ये 100 बचा यहाँ पे, ये भी 100 बचा और ये भी 100 बचा, तो बस 400 और 1000 और 500, तो ये आ गया पहला आपका 1000 प्लस 500 और प्लस 400। अभी प्लस करेंगे क्यों? क्योंकि अभी 1000 बचा है। अभी इस 1000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 9 रेशियो 7 रेशियो 4 में। किस रेशियो में बांटेंगे? 9 रेशियो 7 रेशियो 4 में। तो 1000 को 9 रेशियो 7 रेशियो 4, 9 रेशियो 7 रेशियो 4 इसमें बांटना है, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, 9 1 10, तो 9 1 10 और 10 20 आएगा ना, हाँ 20 आएगा। तो क्या करेंगे? इंटू 9/20, तीनों को करेंगे 1000 × 7/20 और 1000 × 4/20, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 0 के ऊपर ऊपर वाले काट दिए, उसके बाद 2 5 10, तो 50 आ गया। यहाँ डिवाइड करने में क्या आ गया? 50 आ गया, 10 5 10, 2 5 10, 0 50 15। तो अब यहाँ पे 50 × 9 तो 450 आ गया, ना आ गया 450। इधर करेंगे तो 350 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। बस इन सबको टोटल निकाल देंगे तो इतना आ ही जाएगा, ठीक है। अब टोटल निकालने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे, फिलहाल इतना इतना निकाल दो, तो बस खत्म बात, ठीक है। ये हमको इस समझ में आ रहा है कि कितना हो गया यहाँ पे? 1450 हो गया, यहाँ 850 हो गया, और यहाँ पे 600 हो गया, ठीक है। अब टोटल लिख देते हैं, तो टोटल है 4810 4810, ये हमने निकाल दिया टोटल, क्लियर। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बी डी, उनकी कैपिटल लिखनी है हमें। तो कैपिटल कितनी है? 10,000 5,000 और 4,000, यही कैपिटल ना उसकी। थोड़ा सा तो कर लेता हूँ, देखिएगा तो ना, देख तो रहा है, ठीक है। अभी हमने बैलेंस लिख दिया 10,000 5,000 4,000, इसके बाद क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले से छापते जाओ 500 250 200, क्लियर। उसके बाद सैलरी, तो बाई सैलरी ए और सी को मिली थी, तो 480
बी को नहीं मिली थी, सी को भी 480 मिली थी, फिर टू नेट प्रॉफिट, तो लिख देंगे यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट, कितना कितना मिला था यहाँ पे 1450 इसको मिला था, 850 इसको मिला था और 600 इसको मिला था, क्लियर। अब क्या करना है, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले और देख लेते तो कुछ है कि नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू। अब देखो उनका करेंट अकाउंट का बैलेंस अलग था, तो टू करेंट अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। टू करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना था, 600, 800 और 400, ये अलग से बैलेंस था, तो इसको लिख देते हैं, ठीक है। फिर ड्राइंग भी थी उनकी, ड्राइंग कितनी निकाली थी याद है क्वेश्चन में, 900 ए ने निकाली थी, 200 बी ने निकाली थी और 700 सी ने निकाली थी, क्लियर। अब उसको ट्रांसफ़र कर देते बचा हुआ, तो टू बैलेंस सी डी। अब क्या करना है आपको, इन सबका टोटल कर देना है, तो इन सबका टोटल कर देते हैं, देखते कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 12,430, कितना आ रहा है 12,430 आ रहा है, इसका आ रहा है 6,100, और इसका आ रहा है 5,280, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी बेसिकली इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को माइनस करके बैलेंस लिख के इसका टोटल इक्वल कर देंगे, समझ में आ रही बात। 12,430 यहाँ भी आना चाहिए, 6,100 इधर आना चाहिए और 5,280 यहाँ आना चाहिए। करना क्या आपको, 900, 1,500, तो यहाँ से 12,430 को क्या करना है, माइनस करना है 1,500 से, 1,500 से माइनस कर देंगे इसको, तो 0, 3, 14 में 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में 5 जाएंगे तो 9 बचेगा, अब 11 में 1 गया तो 10 बचा, तो 10,930, तो कितना आ गया यहाँ पे 10,930 आ गया। अब यहाँ पे 6,100 में माइनस करेंगे 1,000, तो कितना आएगा 5,100, यानी 5,100 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 5,280 में माइनस करेंगे कितना 1,100, तो 1,100 माइनस कर देंगे 0, 8, 2 में 1 गए 1, 5 में 1 गए तो 4, 41, 80, ठीक है। बस हो गया, सॉल्यूशन हमारा हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 आपका, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स।